अगली खबर चमोली से है, जहां सड़क की मांग को लेकर डुमक गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को सामूहिक रूप से उपवास किया, जिसमें बच्चे, पुरुष व महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यदायी संस्था के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने गांव में रैली निकालकर उपवास किया। बता दें, ग्रामीण 26 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक सामने नहीं आई है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिदिन के सामग्री के लिए उन्हें 18 किलोमीटर की दुर्गम दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम सुमन भंडारी है, मैं डुमा गांव से बोल रही हूँ। हमारे कर्मी उपवास का आज 26वां दिन है। हमारे जच्चे बच्चे बूढ़े सब उपवास में है।